चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। राजस्थान राज्य के मध्य क्षेत्र में बसा संगमरमर नगरी के रूप में विख्यात राज्य के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 40 शहरों में एक मकराना। पूर्व में मंगलाना से आने वाला मार्ग शहर के पूर्वी छोर पर स्थित तहसील कार्यालय, उपखंड अधिकारी कार्यालय एवं पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय से होते हुए शहर में प्रवेश करता है। यह सड़क शहर में मंगलाना मार्ग के रूप में ही जानी जाती है एवं पश्चिम की ओर मुख्य मकराना शहर की ओर बढ़ती है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार यह शहर देश की स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर साम्राज्य का भाग था। देश की आजादी के पश्चात यह राजस्थान राज्य में सम्मिलित हुआ एवं एक तहसील के रूप में नागौर जनपद में जोड़ दिया गया। सड़क शहर की ओर बढ़ते हुए जूसरी मोड़ से गुजरती है। यहां कोतवाली मकराना का प्रशासनिक कार्यालय भी स्थित है। यहां से उत्तर में सड़क जूसरी एवं कुचामन रोड की ओर बढ़ जाती है। मंगलाना मार्ग यहां से पश्चिम में मुख्य शहर की ओर बढ़ जाता है। मकराना शहर एवं शहर में समा चुकी ग्राम पंचायतों को जोड़कर मकराना शहर में वर्तमान में लगभग 1,70,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से डीडवाना कुचामन जनपद का सबसे बड़ा शहर है। सड़क पश्चिम में बढ़ते हुए बाईपास तिराहे पर पहुंचती है। बाईपास तिराहे से पश्चिम में सड़क रेलवे स्टेशन की ओर एवं दक्षिण पश्चिम की ओर का मार्ग बाईपास रोड के रूप में जाना जाता है। बाईपास मार्ग पश्चिम की ओर मुड़कर रेलवे ऊपरगामी सेतु से होते हुए बोरावड़ नागौर की ओर निकल जाता है। बाईपास तिराहे से पश्चिम में रेलवे स्टेशन मार्ग मुख्य मकराना शहर में प्रवेश करता है। यह क्षेत्र गोदावास मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। इस मार्ग पर दोनों ओर अनेकों भव्य इमारतें एवं वाणिज्यिक भवन स्थापित हैं। राजस्थान राज्य में विलय से लेकर 17 मार्च 2023 तक मकराना नागौर जनपद में एक तहसील एवं उपखंड के रूप में सम्मिलित रहा। 17 मार्च 2023 को डीडवाना कुचामन जनपद का सृजन होने पर यह डीडवाना कुचामन जनपद में सम्मिलित किया गया एवं जिले के सबसे बड़े शहर के रूप में स्थापित हुआ। स्टेशन रोड पश्चिम में बढ़ते हुए लक्ष्मी मिष्ठान भंडार स्थित सिटी काउंसिल रोड तिराहे पर पहुंचती है। यहां से दक्षिण में सिटी काउंसिल रोड प्रारंभ होता है। यह महत्वपूर्ण सड़क स्टेशन रोड को बोरावड़ बाईपास मार्ग स्थित ऊपरगामी सेतु से जोड़ती है। सिटी काउंसिल मार्ग नगर परिषद मकराना के कार्यालय एवं उप जिला चिकित्सालय से होकर बाईपास मार्ग से जुड़ जाती है। स्टेशन मार्ग लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से पश्चिम की ओर रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ जाता है। यह क्षेत्र पूर्णतः व्यावसायिक बाजार के रूप में विकसित हो चुका है। अनेकों रेस्टोरेंट एवं रात्रि विश्राम हेतु होटल गेस्ट हाउस भी इस मार्ग पर स्थित हैं। मकराना राजस्थान राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। यहाँ के स्थानीय निवासी नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कुछ ही दूरी पर यह मार्ग रेलवे स्टेशन चौराहे पर पहुंचता है। यहाँ रेलवे स्टेशन मकराना जंक्शन का परिसर स्थित है। मकराना से जयपुर जोधपुर मुख्य रेल मार्ग गुजरता है। साथ ही यहाँ से एक रेल मार्ग पर्वतसर से जोड़ता है। मकराना से उत्तर भारत के सभी राज्यों में आवागमन हेतु रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन से पश्चिम की ओर का मार्ग बोरावड़ की ओर बढ़ जाता है। पुराना मकराना शहर संकरे रास्तों वाला भीड़भाड़ भरा क्षेत्र है। बोरावड़ मार्ग पश्चिम की ओर अनेकों मार्बल प्रतिष्ठानों एवं संगमरमर की खदानों से होकर गुजरता है। यह मार्ग रेड रॉक सिनेमा के परिसर से होते हुए बोरावड़ होकर खाटू खुर्द एवं नागौर की ओर प्रस्थान कर जाता है। मकराना शहर की जनसंख्या डीडवाना एवं कुचामन की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। साथ ही यह विश्व स्तरीय मार्बल व्यवसाय के चलते व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी जिले का सबसे मुख्य शहर है। रेलवे स्टेशन से ठीक सामने की ओर शहर का 2 मस्जिद रोड क्षेत्र स्थित है। यह क्षेत्र पूर्णतः भीड़भाड़ वाला इलाका है। शहर के मध्य में सदर बाजार स्थित है। सदर बाजार मकराना का व्यापारिक केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। आसपास के ग्रामीण एवं शहर के लोग
यहाँ खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। इसी क्षेत्र में शहर का प्रसिद्ध चारभुजा मंदिर भी स्थित है। सदर बाजार से उत्तर की ओर सड़क कुचामन की ओर प्रस्थान कर जाती है। मकराना जैसे सुंदर शहर में आना एवं इसे कैमरे में संजोना एक यादगार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मकराना शहर पर बनाया है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो मकराना शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।